मित्रों, हर एक पदार्थ जलने पे एक विशिष्ट हीट एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे हम उस पदार्थ की कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं और जिसे हम किलो कैलोरी पर केजी में एक्सप्रेस करते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब 1 किलो लकड़ा जलता है तब 4200 किलो कैलोरी हीट रिलीज करता है। उसी तरह जब 1 किलो प्लास्टिक जलता है तब 9800 किलो कैलोरी हीट रिलीज करता है। पदार्थ की कैलोरीफिक वैल्यू और फायर लोड दोनों आपस में संबंधित है। फायर लोड पदार्थ की कैलोरीफिक वैल्यू और उसकी क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। जब हम किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के फायर लोड की बात करते हैं, तब हम उस हीट एनर्जी की बात कर रहे होते हैं जो उस बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के जलने पे रिलीज होती है या हो सकती है। किसी भी बिल्डिंग का फायर लोड उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद कंबस्टिबल या फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे कि ऊड, प्लास्टिक, उस बिल्डिंग के अंदर का फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू और उनकी क्वांटिटी पे निर्भर करता है। तो किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर का फायर लोड किस तरह से निकाला जाता है? उदाहरण के तौर पर, हम किसी बिल्डिंग का 100 मीटर स्क्वेयर का एक फ्लोर कंसिडर करते हैं और अजूम करते हैं उस फ्लोर पे 10 किलो लकड़ा और 10 किलो प्लास्टिक रखा हुआ है। उस फ्लोर का फायर लोड निकालने के लिए सबसे पहले हमें ऊड का और प्लास्टिक का इंडिविजुअल फायर लोड निकालना पड़ेगा। ऊड का फायर लोड निकालने के लिए हमें ऊड की कैलोरीफिक वैल्यू और उसकी क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह प्लास्टिक का फायर लोड निकालने के लिए हमें प्लास्टिक की कैलोरीफिक वैल्यू और उसकी क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर उस फ्लोर का टोटल फायर लोड निकालने के लिए हमें ऊड का फायर लोड और प्लास्टिक का फायर लोड इन दोनों को आपस में मिलाना पड़ेगा। उस फ्लोर की फायर लोड डेंसिटी निकालने के लिए हमें उस फ्लोर के फायर लोड को हमें उस फ्लोर के एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। किसी भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर का फायर लोड कैलकुलेट करना क्यों जरूरी होता है? फायर लोड के बेस पे हम किसी भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को उसकी रिस्क कैटेगरी के हिसाब से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब उस बिल्डिंग की रिस्क को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिल्डिंग की रिस्क को आइडेंटिफाई करके हम उस बिल्डिंग के लिए फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन मेजर्स डिजाइन कर सकते हैं। जिन बिल्डिंग का फायर लोड 2,75,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर से कम है, उन्हें हम लो हजार्ड कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। जिन बिल्डिंग का फायर लोड 2,75,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर से 5,55,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर है, उन्हें हम मॉडरेट हजार्ड कैटेगरी में रख सकते हैं। उसी तरह जिन बिल्डिंग का फायर लोड 5,55,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर से 11,00,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर के बीच में है, उन्हें हम हाई हजार्ड कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। किसी भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर का फायर लोड पता करके आर्किटेक्चर्स उस बिल्डिंग को बनाने के लिए लगने वाला मटेरियल डिसाइड कर सकते हैं, उस बिल्डिंग के लिए एग्जिट रूट्स को प्लान कर सकते हैं और उस बिल्डिंग में लगने वाले एक्टिव और पैसिव फायर प्रोटेक्शन फायर प्रिवेंशन सिस्टम को डिजाइन कर सकता है। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।